गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 178, चैप्टर नंबर 13, क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ। एनी डिजीज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल इफेक्ट अवर हेल्थ। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। But an acute disease which is ever very soon will not have time to cause major effect on general health, while a chronic disease will do so। देखिए, जब हम क्रोनिक को कोई acute disease होती है तो क्या होती है, वैसे तो disease हमको health पे effect डालती है, पर अगर हमको acute disease हुई, acute means short term के लिए disease हुई, तो वो disease क्या करेगी, हमारे health को इतना ज़्यादा effect नहीं करेगी। पर अगर हमको कोई chronic disease हो जाती है तो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो क्रोनिक डिजीज पुअर हेल्थ को क्या करेगी, हमारी पुअर हेल्थ की तरफ हमको ले जाएगी। तो क्रोनिक डिजीज होने से हेल्थ क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है, और वो उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। पर अगर हमको एक्यूट डिजीज हुई है तो हेल्थ थोड़ी सी इफेक्ट होगी और हम बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जैसे अगर हमको कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, कोल्ड कफ हुआ, तो कुछ टाइम में हम फिर से रिकवर हो जाएंगे और अपने सारे काम कर लेंगे। बट अगर हमको क्या हो रही है, क्रोनिक डिजीज ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को इफेक्ट करती है। अब जैसे ही हमें ट्यूबरकुलोसिस हुई तो क्या हुआ, हमारी हेल्थ इफेक्ट होने लगी, और हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट रहेगी। जब तक हमको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तब तक हमारी हेल्थ इफेक्टेड रहेगी ही रहेगी। तो क्रोनिक डिजीज हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर एक्यूट डिजीज होती है तो थोड़े दिन, फ्यू डेज के लिए स्कूल नहीं जा पाते, पर अगर हमको एक्यूट डिजीज़ हो जाती है तो हम बहुत दिन तक हमको रेस्ट करना पड़ता है, हमारे बॉडी को रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्रोनिक डिजीज़ हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, क्रोनिक डिजीज हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। कॉज ऑफ डिजीज़ होती क्यों है, हमने जान तो लिया एक्यूट है, क्रोनिक है, डिजीज हो गई है, मान लिया अब आपको हो गई है, मान लीजिए किसी ने बताया कि आपको कोल्ड हो गई, अरे लेकिन हुई क्यों, ये तो हमें पता करना है ना, ठीक है। तो डिजीज क्यों होती है, कॉज ऑफ डिजीज, व्हाट कॉज डिजीज। व्हेन वी थिंक अबाउट कॉज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल ऑफ सच कॉजेस। लेट अस लुक एट द एग्जांपल, इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज प्रॉपरली एन इन्फेक्शन। But the next question is, where did the infection come from? इन्फेक्शन आया कहाँ से, जैसे किसी बेबी को अगर लूज मोशन हो रहा है तो उसको डिजीज क्या हुई, लूज मोशन। अब हमने सोचा शायद इसको इन्फेक्शन हुआ, बट सेकेंड क्वेश्चन है, इन्फेक्शन कैसे आया बच्चे को, जैसे अब हमने फाइंड किया, वी फाइंड दैट इन्फेक्शन कम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सो वाई इज दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर इज नॉट। अब हमने पता किया, ठीक है, बेबी को इन्फेक्शन कैसे हो गया था, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसने नहीं ड्रिंक किया था, लेकिन वही पानी किसी दूसरे ने घर पे पिया तो उसको क्यों नहीं इन्फेक्शन हुआ। वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी, एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क, वेर इज हेल्दी अ बेबी वुड नॉट। वाई इज अ बेबी नॉट हेल्दी, परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड फूड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड, सो लैक ऑफ द गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। फर्दर, वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, परहैप्स बिकॉज इट इज द फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड विच इज पुअर। अब देखिए, हमारे दो कारण हुए, बच्चे को इन्फेक्शन हुआ क्यों हुआ, ठीक है, जो पुअर हेल्थ वाले बच्चे होते हैं उनको जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हेल्दी फूड नहीं टेक किया था, अब नरिश फूड नहीं लिया था, हेल्दी फूड नहीं लिया था, तो वो बच्चा क्या होता है, बहुत जल्दी डिजीज से उसकी बॉडी में बहुत जल्दी डिजीज कैरी हो जाती है, वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है डिजीज से। तो हमारी फूड, वो भी नरिश एंड हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा नीड रखता है हमको एक गुड हेल्थ देने के लिए, हमको डिजीज फ्री रखने के लिए, डिजीज फ्री रखने के लिए
एक नरिश फूड चाहिए और इनफ फूड चाहिए। नरिश फूड ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा सा खा लिया और हमारा वो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिली, नहीं, नरिश फूड एंड द इनफ फूड चाहिए, ठीक है, जितना हमारी बॉडी को नीड है। तो और वो क्यों नहीं मिला उस बच्चे को, वो बेचारा गरीब था, पुअर था। इट इज ऑल्सो पॉसिबल बट दैट द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंसेस दैट मेक इट मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू अ पैथोजन। विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंशिएट और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट बी लीड टू द लूज मोशन बट दे दिस बिकम कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज। सेकेंड थिंग हो सकती है उसको कुछ जेनेटिकली डिफरेंस हो, मतलब जैसे उसके मदर फादर दादा दादी नाना नानी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर मदर फादर इनमें से उसको कुछ जेनेटिक डिफरेंस मिले हो, उसकी हेल्थ पुअर है, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ चीज़ें जेनेटिकली आती हैं उसके कारण भी हम डिजीज से ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। अब हम डिजीज से अफेक्ट किससे होते हैं, पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पैथोजन। व्हाई वाज देयर इज नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। अब सेकेंड क्वेश्चन था, उसको ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं था इसलिए डिजीज हुई, पर क्यों नहीं मिला उसको ड्रिंकिंग वाटर, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसने उसकी पब्लिक सर्विस थी, पर भी जो हमारी वहाँ की गवर्नमेंट थी, पब्लिक सर्विसेज थी, उसने उसको ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं प्रोवाइड कराया, तो ये उसकी यहाँ था। अब इसके कारण उसको क्या हो गया, लूज मोशन हो गया। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज, सेकेंड थिंग्स है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज। अब देखिए कुछ डिजीज होती हैं जो स्प्रेड होती है, जैसे एक से दूसरे को हो जाती है, पर कुछ डिजीज होती हैं जो स्प्रेड नहीं होती, जैसे किसी को कैंसर है तो हमको कैंसर नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को कॉमन कोल्ड है तो 80% तक है कि अगर आप उसके बगल में उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो मोस्टली कुछ तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है। कॉमन कोल्ड तो फिर भी एक नॉर्मल सी है, तो हमारा 70-80% रहता है कि हमको कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो कुछ डिजीज होती है इन्फेक्शियस और कुछ डिजीज होती है नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या, डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीजिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के लिए हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं डिजीज को स्प्रेड करने के लिए। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विथ देम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, और कुछ वेक्टर होते हैं जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं। तो वेक्टर जैसे हमको मलेरिया है, तो मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, लेकिन उसको फैलाता कौन है, मॉस्किटो। तो पैथोजन क्या हुआ और वेक्टर, वेक्टर मतलब स्प्रेड करने वाला। तो इन्फेक्शियस डिजीज वो हुई जो स्प्रेड हो जाती हैं और उनको कौन कॉज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीज दैट आर नॉट कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट, जो इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं कॉज होती हैं। दीज कॉज वेरी वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉज लाइक माइक्रो दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, इंस्टेड दे आर द मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉज। फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज बाय द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, हाई ब्लड प्रेशर एंड कैन बी कॉज बाय द एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए ये क्या हो गई हैं, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज नहीं हो रही है, बल्कि उसको कुछ क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब उसको जीन्स में ही कुछ, जब उसको मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ही जब आए था तो उसको कुछ उसके जीन्स में प्रॉब्लम हो गई थी। तो जीन्स डिसऑर्डर से भी कुछ डिजीज हो जाती है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे उसको हाई ब्लड प्रेशर है। अब हाई ब्लड प्रेशर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज नहीं हुआ है, उसको जेनेटिकली मिला है। अब जैसे उसको हाई ब्लड प्रेशर हुआ उसका वेट लॉस होने लगा, ठीक। अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है,
किसने किया, उसका वेट बहुत, अगर क्या है हमारा, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसकी डाइट बहुत गलत है, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो इससे क्या हो जाता है, उसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।